गंगा नदी का जो उद्गम स्थान है यही है। देखिए जी, ये कंडीशन है अभी रास्तों की, बादलों के बीच में चल रहे। देखिए गाइस, टेंट लग चुका है। शाम के खाने की तैयारी करते हैं। दोनों सास बहुओं का ढाबा स्टार्ट हो गया, मतलब जोड़ी स्टार्ट हो गई है। मतलब जगह ऐसा है कि प्यार हो जाए आपको। हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। भाई आपने लास्ट व्लॉग में देखा हमने कैसे मस्ती करी, लंच बनाया नदी किनारे और बारिश आ गई, और विवेक सर से भी मिलना हो गया इसी बहाने बीच रास्ते में। तो अब यहाँ से हमारा निकलने का टाइम आ गया है आगे के लिए। कहाँ तक जाएंगे ये कुछ भी नहीं पता। जहाँ तक हमारा टारगेट है, आज शाम तक हम 5 या 6 बजे तक रुद्रप्रयाग पहुँच जाएंगे। और फिर देखो जहाँ पर भी, क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है, ऐसे मौसम में कैंपिंग करना थोड़ी सी रिस्क हो सकती है फैमिली के साथ। जैसा भी जो भी हम करेंगे आपसे शेयर करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। बोलो श्री मनसा मैया की जय। तो चलिए दोस्तों, अब आगे की यात्रा पे चलते हैं। शुद्ध हिंदी यूज करूंगा कभी कभी मैं। अब यहाँ पर क्या स्लशी हो गया थोड़ा, तो स्पीड से लेनी पड़ेगी गाड़ी, वरना क्या टायर स्लिप होता है। चढ़ तो गई यार गाड़ी एक बार में, बहुत ही ज्यादा हाइट थी यार, बहुत ज्यादा हाइट थी। तो दोस्तों सही टाइम पे वहां से फ्री हो गए, वरना ऐसी बारिश में हम जैसे लोगों के लिए, मतलब जो जिनके पास छोटी कैंपर वैन है ना, उनके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। वैसे तो ऐसी बारिश में गाड़ी ड्राइव करना भी पहाड़ों में थोड़ा रिस्की होता है, लेकिन हम थोड़ा सेफ पॉइंट लेके चल रहे हैं बिल्कुल धीरे धीरे। जहाँ पे हमें लगेगा कि हाँ यहाँ पर आगे नहीं चलना चाहिए, वहीं पे हम रुक जाएंगे। खाना हमने हमारी कैंपर वैन का बनाई लिया है, और कोशिश करेंगे ऑलमोस्ट सुबह शाम का खाना इसी में बना के खाएं, क्योंकि इससे बढ़िया हेल्दी कुछ भी नहीं होता। तो देखिए गाइस, यहाँ पर भी लैंडस्लाइड हुआ हुआ है, कम से कम 10वीं या 15वीं जगह मिला है ये ऋषिकेश से अभी तक। तो ऐसी जगह पर आप बिल्कुल धीरे निकलिए और आसपास पूरा देखकर निकलिए। तो दोस्तों ये देखिए कुदरती पानी का झरना, अभी गाड़ी नीचे से नहीं ले जा सकता मैं, सनरूफ खराब होने का डर रहेगा। फिर भी थोड़ा बहुत तो आया। देखिए जी, ये कंडीशन है अभी रास्तों की, काफ़ी रिस्क है, काफ़ी रिस्क है। पूरी इन्होंने जबकि दीवार बना रखी थी, उसके साथ साथ गिर चुका ही है। दीवार ही गिर गई। हाँ, तो ऐसी जगह ज़्यादा नहीं रुकना चाहिए। बाहर सामने से क्रॉसिंग है, नई टिहरी चंबा पावकी देवी, तो यहाँ से अलग रास्ता कट रहा है एक, हमने ब्रिज क्रॉस कर लिया है और फिलहाल हम अभी आगे के लिए निकल रहे हैं। मौसम तो बहुत बढ़िया हो गया, बस एक बारिश ख़त्म हो जाए ना तो कैंपिंग लायक सर्दी तो हो जाएगी, क्योंकि अभी नीचे गर्मी थी। हाय, सामने का व्यू देखिए मम्मी, व्यू देखो कितने बादल नीचे आ चुके हैं यार, कितने बादल नीचे आ चुके हैं। और ये चट्टान देखो मम्मी, देखो कितनी बड़ी चट्टान गिरी है। देखिए गाइस, ये देखिए कहाँ से गिरी होगी यार। जितने खूबसूरत होते हैं पहाड़, उतने ही ज़्यादा एट ए टाइम खतरनाक भी होते हैं, इसलिए आपको एक्स्ट्रा सेफ्टी की बहुत ज़रूरत है। यार सच में अब मुझे पता चला यहाँ पे जन्नत क्यों बोलते हैं। हरियाली तो भर भर के है, ऊपर से मौसम बहुत शानदार हो गया है। सच में यार, मेरे को तो जब भी टाइम मिलता है ना गाइस, मैं तो भाग भाग के आ जाता हूँ ऐसी जगह पे। बहुत अच्छी लगती है जहाँ 4-5 दिन का। एक्चुअली क्या है, हमारे यहाँ से काफी दूर पड़ता है, हिमाचल भी और उत्तराखंड भी बराबर दूरी है, 600 किलोमीटर तो पड़ता ही पड़ता है, उसके बाद स्टार्ट होता है। अगर 100-150 किलोमीटर पे होना, मतलब मैं हर वीकेंड पे आपको यहाँ पर मिल जाऊँ। देखिए जी, यहाँ पर भी लैंडस्लाइड हो रखा है, और ये भाई साइकिल पर यात्रा कर रहे हैं। देखिए हमें लद्दाख में भी काफी लोग ऐसे मिले थे, और ये देखिए कितने बड़े बड़े पेड़ बिल्कुल नीचे आ गए। प्रकृति के आगे किसी की नहीं चलती यार। हाय हाय, अभी तो ऐसा लग रहा है बादलों के बीच में चल रहे हैं। देखिए गाइस, हमारे जस्ट ऊपर कितने बादल हैं। कैमरा इतना नहीं दिखा पा रहा है, लेकिन सच में इतने सारे बादल है ना, बिल्कुल नीचे आए हुए हैं, बिल्कुल नीचे है। यहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज का यूज लेते हुए जो असली मिनरल वाटर होता है वो यही होता है। पहाड़ों में ऐसा है, हर कोई झंडे का पानी पीने लायक नहीं होता। यहाँ पर जहाँ पर आपको ऐसा पाइप लगा हुआ हो, वहाँ पे लोकल से आप पूछ सकते हैं,
और अपना पानी भर सकते हैं पीने का। देखिए गाइस वो उधर सामने देखिए, कितना प्यारा लग रहा है, छोटा सा खेत बना रखा है भाई। हमें तो बहुत शौक है यार, मतलब ऐसी कोई छोटी सी जगह में घर हो अपना, ऐसी जगह पे कैंपिंग करने का मजा ही अलग है। बस एक दिक्कत यह है बारिश के टाइम में, यहाँ पे क्या कच्चे पहाड़ है काफी जगह। ये देखिए जैसे आपको गिरे हुए दिख रहे हैं ना, आगे भी है देखो थोड़ी थोड़ी दूर पे, तो लैंडस्लाइड का एरिया है। जब भी तेज बारिश हो ना तब आप मत निकलिए, स्पेशली रात को तो बिल्कुल भी नहीं। उम्मीद है आगे मौसम अच्छा मिलेगा हमें, अच्छा मतलब साफ मिलेगा। बस बारिश नहीं होनी चाहिए यार, रात को कैंपिंग में मजा खराब हो जाता है बारिश में। ये होती है एकदम जो नेचर की कलाकारी होती है ना। सामने भी देखिए एक साथ आपको बादल के साथ साथ तीन तीन चार चार कलर के पहाड़ दिखेंगे, ब्लैक ब्राउन येलो ग्रीन, सब कलर एक ही जगह मिल जाएंगे आपको। बस एक बारिश नहीं आई ना दोस्तों तो इतना मजा आने वाला है ना आज की रात की कैंपिंग में। सामने देखिए गाइस अभी बादलों के बीच में से जाएगी हमारी गाड़ी, नजारे देखिए नजारे, ये मेरा डायलॉग है। वो देखिए सामने गाइस, ऊपर की साइड देखिए, ऊपर की साइड देखो हमें क्या सीन है। कर्ण प्रयाग 118, जोशीमठ 203 और बद्रीनाथ 246। अब देखिए दोस्तों शायद आपको इतना कैमरे में नहीं दिख रहा होगा लेकिन पूरा फॉगी फॉगी हो रखा है, बादल इतने नीचे आ चुके हैं। देखिए कैमरे में इतना कैप्चर नहीं हो पाता, अगर आप जैसे लाइव देखोगे ना उसका एक्सपीरियंस ही अलग है जो अभी हम लोग कर रहे हैं। ये देखिए आप सामने, तो दोस्तों मौसम बिल्कुल साफ हो चुका है, बहुत ही तेज चिलचिलाती धूप ने हमारा स्वागत किया है। अभी हम देवप्रयाग से 20 किलोमीटर पहले हैं और नेक्स्ट स्टॉपेज हमारा देवप्रयाग ही होने वाला है। काम तो पहाड़ों में मतलब डेवलपमेंट का चलता ही रहता है कुछ ना कुछ, चल रहा है, पता नहीं अब किस चीज का प्लांट है लेकिन जो भी है काफी बड़ा है। गाइस एक बार सामने का व्यू देखिए वैली का, वापस बादलों ने हमारा स्वागत किया है और इतने सुंदर खेत बन रखे हैं आपको शायद बादलों के बीच में ना दिखे। तो दोस्तों अभी यहाँ पर एक ये ढाबे टाइप और ये काफी बने हुए हैं, बीच में जगह है कोई, इतना टाइम तक गाइस वीडियो में देखा है, आज लाइव देखने को मिलेगा और आपको भी दिखाएंगे। जो जहाँ से गंगा नदी बनती है वो चीज आपको दिखाएंगे, वैसे तो आप लोगों ने काफी देख चुके होंगे। तो गाइस सामने जो आपको दिख रहा है वो देवप्रयाग है, टिहरी गढ़वाल जो इनका क्षेत्र है उत्तराखंड का, उन्हीं का एक हिस्सा है। तो दोस्तों फाइनली हम उस जगह पर खड़े हैं जिसे हमने आज तक केवल फोटो में और वीडियो में देखा था। सामने से जो आ रही है वो नदी अलकनंदा नदी है, मटमैला कलर का पानी है और ये वाली जो नदी आ रही है भागीरथी नदी है और बिल्कुल ग्रीन कलर का सा पानी है और दोनों मिलके सामने गंगा नदी बना दी है। देखो जो आपको हरिद्वार में ऋषिकेश में जो नदी मिलेगी वो मेन गंगा नदी यही से, मतलब एक तरह से गंगा नदी का जो उद्गम स्थान है यही है, आगे गौमुख से आ रही है लेकिन मेन जो गंगा जी नदी है वो यही से बनती है। ऐसा कहा जाता है कि राजा जो भागीरथ जी थे वो गंगा जी को धरती पर लेकर आए थे और गंगा जी के साथ साथ स्वर्ग से काफी देवता भी यहीं पर शिफ्ट हो गए थे अपनी लैंग्वेज में बोले तो। और देवप्रयाग पंच प्रयाग जो है वो भी आपको धीरे धीरे सारे जो रास्ते में आएंगे, टिहरी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है ये और मैं आपको थोड़े से सिनेमेटिक शॉट्स दिखाता हूँ इसके। तो दोस्तों कैसे लगी आपको देवताओं की कॉलोनी? जी हाँ ऐसे कॉलोनी ही बोलेंगे क्योंकि जितने भी देवता गंगा जी के साथ नीचे उतरे थे स्वर्ग से उन्होंने इसी स्थान को अपना निवास स्थान घोषित किया था, इसलिए इस जगह का अपना एक धार्मिक महत्व है। तो चलिए गाइस रात की जगह का जुगाड़ करते हैं, जगह का जुगाड़ से मेरा मतलब है कोई अच्छी सी लोकेशन देखते हैं। अभी विवेक सर वापस से क्रॉस हुए, बोले यार ऐसे कैसे रुद्रप्रयाग तक पहुंचोगे, बोला सर पॉसिबल नहीं है, अब आधे पौन घंटे के अंदर हमें जगह ढूंढनी है जो कि बहुत बड़ा टास्क होता है कैंपिंग के लिए, तो वहीं पर आज कैंप करेंगे। हो सका तो विवेक सर को भी ज्वाइन करेंगे और सागर भाई तो है ही अपने, तो चलिए फटाफट चलते हैं। तो दोस्तों अब यहाँ से जो अपने साथ नदी चल रही है वो भागीरथी नदी है, आप देख सकते हैं ग्रीन कलर का पानी है उसमें। लो जी यहाँ से है बद्रीनाथ जी 224, हेमकुंड साहिब 219 और केदारनाथ जी 156।
मतलब चाहते क्या है, पापा पहले केदारनाथ ही चले क्या? गाइस सामने का व्यू देखिए, एक्चुअल कलर शायद आपको क्या पता दिख रहा है नहीं दिख रहा है, बाकी बहुत ही शानदार है, बहुत ही शानदार व्यू है। इतनी हरियाली और इतने कलर के फ्लावर है इसमें, देखो येलो ग्रीन। फाइनली हमें आज की बहुत ही बढ़िया कैंपिंग की जगह मिल चुकी है, मतलब जगह ऐसा है कि प्यार हो जाए आपको। आप देख रहे होंगे मेरे हाथ में क्या है, कुदरती झाड़ू है, इधर दिखाओ, थोड़ा बहुत यहाँ पर क्या है हल्का फुल्का कचरा वगैरह था, तो यहाँ पर आपको पता है ओवरलैंडिंग का एक ही रूल है, सब काम अपने को करना है, छोटे मोटे कंकड़ पत्थर हटा देंगे और जो भी हल्की फुल्की गंदगी तो नहीं कह सकते, गाय का गोबर है यार सूख गया तो वो हटा देंगे। ये देखिए घर पे भले ही मेरे नींद निकाली हो, कभी घर पे तो कभी आती नहीं लगाई है। अब एक बार जगह देखिए आप, इधर आइए, ये देखिए, ये जस्ट मतलब हमारी गाड़ियाँ देखो यहाँ पे खड़ी है, और उससे कुछ फुट के बाद मतलब सेफ्टी के हिसाब से हमने थोड़ी दूर लगाई है, और इधर से ये आ रही है अलकनंदा रिवर, ये देखिए, और सामने खेत बने हुए हैं लोगों के, ऊपर आसमान का कलर देखिए, और आगे टॉयलेट के हिसाब से, वैसे तो हम टॉयलेट टेंट लाए हैं, टॉयलेट के हिसाब से आगे ढाबा वगैरह है जस्ट 100 मीटर की दूरी पर। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे हमारा टेंट लग चुका है, ये सेटअप है, इधर हमारा किचन का सेटअप आपने देख ही रखा है, इसके अंदर अभी मैट्रेस लगा देंगे, और व्यू देखिए एक बार वापस, इधर सागर भाई का हमारे पास में सेटअप रहेगा, ये भी टेंट लगाने की तैयारी कर रहे हैं। आ जाओ अंदर, मैट्रेस बिछाओ, हमारी मनसा को बहुत शौक है इसको, बेटा टर्न करो, पहले टर्न करो, आइयो। तो देखिए जी हमारा डबल बेड तैयार है, लेकिन इस डबल बेड पास 3 लोग सोने वाले हैं, ये देखिए मैट्रेस वगैरह लगा के डबल बेड की एक चादर लगा दी उस पर। लो जी अब शाम के खाने की तैयारी करते हैं, कुछ हल्का ही खाने का मन है, देखते क्या बनाती है, इनके रहते हो मुझे टेंशन करने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों शिवाय नींद से उठ चुका है, और इसके लिए क्या बना रही है, इसके लिए भी और हमारे लिए भी बना देना थोड़े से, तो थोड़े से पॉपकॉर्न खाते हैं गर्मा गर्म, हालांकि इतनी सर्दी नहीं है यहाँ पर, लेकिन गर्मी भी नहीं कह सकते, और मम्मी हमारी रात के खाने की तैयारी पर लग चुकी है देखो। तो सब्जियों का चॉपिंग का काम मम्मी का है, और इधर चिक्की पॉपकॉर्न बनाएगी पहले, उसके बाद रात का खाना बनेगा। वेजिटेबल हिंदी में ही बोल दो अपने तो, नमकीन की चिड़ी, सब घर के ही है यहाँ पर, टमाटर मिर्ची गोभी, क्या बात है, खूब सारी सब्जियाँ हैं, लहसुन डालेंगे, और इधर दोनों भाई बहनों की जोड़ी जम गई है, वैसे लड़ते रहेंगे लेकिन अभी मतलब का टाइम है ना, तो दोनों में देखो कितना प्यार है। हाँ तो चिक्की जी इसमें क्या चढ़ाया, बच्चों के लिए बनाई है हमने प्लेन खिचड़ी। ठीक है जी, तो इसमें बिना मिर्ची की खिचड़ी हो गई, उसमें हमारे लिए चटपटी सब्जी वाली खिचड़ी हो गई। हमारा यहाँ पर काम में आ रहा है, वैसे इसे मैं गेट पे फिट रखता हूँ, लेकिन यहाँ पे स्पेस है तो हमने बाहर निकाल लिया इसको। छोटी छोटी चीजों से कितना सरल हो जाता है मतलब हर चीज। देखिए जी देखिए, सारी लाइटिंग का जुगाड़ भी कर दिया अपन ने, बहुत ही सुंदर लग रहा है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। अब हल्की हल्की से भिनी भिनी सी जो गुलाबी ठंड होती है ना वो हो गई है स्टार्ट। इसमें गर्म पानी रखा है चिक्की ने, इस कुकर में हमारी वाली खिचड़ी चढ़ा दी है, बच्चों की खिचड़ी छोटे कुकर में रेडी है, बहुत ही शानदार लाइटिंग आ रही है। तो ये प्याज और लहसुन वगैरह जो भी थे वो फ्राई होने के लिए डाल दिए, जी भैया यहाँ पे दोनों सास बहुओं का ढाबा स्टार्ट हो गया, मतलब जोड़ी स्टार्ट हो गई है, मम्मी तो बना रही है मतलब बन गई है बच्चों की खिचड़ी, और चिक्की हमारी भाई खुशबू से मजा आ गया, एकदम चटपटी स्पाइसी आ रही है।
मजा आ जाएगा, सारा जुकाम निकल जाएगा चक्के आज तो। और उधर शिवा अपनी मस्ती में है, इधर मनसा अपनी मस्ती में है, और ये हमने हमारा छोटा सा हैंडपंप लगा दिया है, देख लिया आपने। तो इधर अपने सागर भाई का भी सेटअप हो चुका है, इनका भी डिनर रेडी है, रेडी मतलब बनाने का चल रहा है। और इधर हमारा तो आपने देख ही लिया है, चिड़िया उड़, कौवा उड़, गाय, देखिए जी गर्मा गर्म खिचड़ी हो गई और ये मस्त वाला पापड़ हो गया। हम थोड़ा पापड़ के शौकीन ज्यादा है। अब शिवाय से वेट नहीं हो रहा, उसने पापड़ देख लिया ना। चलो चेरी हैंड वॉश करो जल्दी से, हाँ फटाफट कर दो जल्दी से। ये आ गया जी इसमें देसी घी घर का बना हुआ। बाहर आप जाएं और इतना हेल्दी फूड मिल जाए, सच में यार घर का खाना तो घर का ही होता है। चेरी कैसा लगा? बहुत अच्छा। ये टेस्टी बोल रहा है। अरे शिवाय बेबी, शिवाय कैसा लगा? टेस्टी। तो दोस्तों देखा आपने, मतलब कितना इजी होता है हर चीज को अपने हिसाब से करना। हमने जस्ट 2 या 3 महीने पहले सोचा था, उसके बाद हम लद्दाख ट्रिप करके आ गए, हमारी गाड़ी में स्पीति ट्रिप कर आए, और हमारा पहला दिन कैंपिंग का बहुत ही अच्छा जाने वाला है। अभी तक तो बहुत अच्छा गया, क्यों मम्मी? बिल्कुल बहुत अच्छा, मजा आ रहा है। आपका तो फर्स्ट एक्सपीरियंस है। अब देखते हैं रात कैसी गुजरती है। वैसे अभी तक तो गर्मी भी नहीं है और सर्दी भी नहीं है, मतलब सुहाने वाली जो होती है ना, एक शरीर को बॉडी को अपने यूज्ड हो जाते हैं। बस हमारी वाली खिचड़ी भी रेडी है, हमारा जो डिनर है साथ में पापड़ वगैरह लेके, हल्का भी हो जाएगा रात के हिसाब से और बाहर के हिसाब से हेल्दी फूड भी हो जाएगा। जय बद्री विशाल। लो जी तो ये अब हमारी वाली खिचड़ी रेडी है, इस पे डालो जी ये घी, बिना घी के मजा नहीं आता। बहुत ही शानदार बना भाई, बहुत अच्छी बनी, मजा आ गया। हाँ जी मैडम जी बताओ, अच्छी बनी ना? मजा आ गया भाई, ऐसा खाना आपको सच में घर का खाना ऐसी जगह मिल जाए ना, इसका मजा अलग है। चलिए अब खाना एंजॉय करते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। तो दोस्तों अब मिलाते हैं आपको हमारे इस सफर के बराबर के साथी से, सागर भाई से, फ्रॉम मोगा, मोगा पंजाब। इनसे मेरी काफी टाइम से बात चल रही थी, मैंने इनके काफी वीडियोस देखे थे यूट्यूब पे, इनके भी मन में कहीं ना कहीं उत्तराखंड चल रहा था और मेरा तो टारगेट था ही, आपको पता ही है। और सबसे मेन चीज इनका भी चैनल है, मेरे चैनल का नाम है सीख विद सागर, सीख विद सागर है। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा और नाम आ रहा होगा देखिए वीडियो के नीचे, तो बिल्कुल आप इनके चैनल पे जाके एक बार विजिट जरूर करना, मेरे कहने पे करना, और सब्सक्राइब जरूर करना अगर आपको पसंद आता है तो। चलिए एक बार इनका सेटअप भी आपको दिखाता हूँ, कितना अच्छा सेटअप है और क्या बना रहे हैं आज ये। ये देखिए जी, ये देखिए इन्होंने भी टेंट लगा चुके हैं, और इधर देखिए क्या बन रहा है जी आज, पास्ता। क्या बात है जी, क्या बात है, यूनिक चीज पास्ता बना रहे हैं एकदम। तो दोस्तों जिसका डर था वही हुआ, बहुत तेज वाली बारिश हो चुकी है, आपको आवाज आ रही होगी, सारा सेटअप वगैरह सब, हालांकि हम फ्री हो चुके थे लेकिन यार बारिश आते ही ना कैंपिंग की बैंड बज जाती है। फिलहाल तो सबको टेंट के अंदर घुसाया देखिए, और मैं बाहर चौकीदारी कर रहा हूँ, मतलब चौकीदारी इन द सेंस सारे सामान इधर उधर जो फैले हुए थे उनको रख रहा हूँ। अब कोई ऑप्शन भी नहीं है, आगे जाएं या क्या करें, देखते हैं। अगर बारिश ऐसे ही रही तो बारिश रुकने का वेट करते हैं और सुबह होने का इंतज़ार करते हैं, पता नहीं रात कैसे बीतने वाली है। तो एक पहलू कैंपिंग का यह भी रहता है, कैंपिंग जितनी खूबसूरत है ना उतने ज़्यादा इसमें स्ट्रगल भी करना पड़ता है कभी कभी, जैसे कि आज का मौसम है और वो भी 2 बच्चों के साथ। तो जैसा कि मैंने आपको बोला था कि मैं आपसे अच्छे और बुरे सारे तरह के एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूँगा, तो आज का पूरा दिन अच्छा रहा। तो अब ये रात को बारिश हो चुकी है तो देखते अब कैसा क्या जाता है। तो चलिए आज के ब्लॉग की एंडिंग यहीं पे करते हैं, कल सुबह इसी जगह मिलते हैं या कहीं दूसरी जगह मिलेंगे पता नहीं। अपना प्यार इसी तरह बनाए रखिए, गुड नाइट।